दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लागू करने की घोषणा कर दी है। ये योजना राजधानी में कोरोना के कारण मृत्यु होने पर लोगों को 2500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता देने से संबंधित है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत कोविड 19 के कारण पति की मृत्यु होने पर पत्नी को 2500 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। इस 2500 रुपये के साथ पत्नी को विधवा पेंशन भी दी जाएगी। इसी प्रकार पत्नी की मृत्यु होने पर पति को 2500 रुपये प्रति माह मासिक सहायता दी जाएगी। अगर परिवार में सिर्फ माता या पिता है, वह उनकी कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो सभी बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जब तक बच्चे 25 वर्ष की उम्र के नहीं हो जाते। अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो सभी बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दिल्ली सरकार देगी। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के बेटे की मृत्यु कोरोना के कारण हो गई है तो माता या पिता को 2500 रुपये प्रति महीना आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। ये सहायता प्राप्त करने के लिए मृतक व लाभार्थी दोनों को आवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।